बिल्ली के गले में घंटी, इसब की कहानी। एक बहुत बड़े घर में सैकड़ों चूहे रहते थे। वे चारों ओर उछल कूद करते हुए अपना पेट आराम से भर लेते थे और फिर जब उन्हें खतरा दिखाई देता तो बिल में जाकर छिप जाते थे। एक दिन उस घर में न जाने कहां से एक बिल्ली आ गई। बिल्ली की नजर जैसे ही चूहों पर पड़ी तो उसके मुंह में पानी आ गया। बिल्ली ने उन चूहों को खाने के विचार से उसी घर में अपना डेरा डाल दिया। बिल्ली को जब कभी भूख लगती तो वह अंधेरे स्थान में छिप जाती और जैसे ही चूहा बिल से बाहर आता तो उसे मारकर खा जाती। अब तो बिल्ली रोज चूहों का भोजन करने लगी। इस प्रकार वह कुछ ही दिनों में मोटी ताजे हो गई। बिल्ली के आ जाने से चूहे दुखी हो गए। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होती देख वे भयभीत हो गए। चूहों के मन में बिल्ली का डर बैठ गया। बिल्ली से बचने का कोई उपाय खोजने के लिए सभी चूहों ने मिलकर एक सभा का आयोजन किया। सभा में सभी चूहों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन कोई भी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास नहीं हो सका। सभी चूहों में निराशा फैल गई। तब एक बूढ़ा चूहा अपने स्थान पर खड़ा होकर बोला, भाइयों सुनो, मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ जिस पर अमल करके हमारी सारी समस्या का हल निकल सकता है। यदि हमें कहीं से एक घंटी और धागा मिल जाए तो हम घंटी को बिल्ली के गले में बांध देंगे। जब बिल्ली चलेगी तो उसके गले में बंधी हुई घंटी भी बजने लगेगी। घंटी की आवाज हमारे लिए खतरे का संकेत होगी। हम घंटी की आवाज सुनते ही सावधान हो जाएंगे और अपने अपने बिल में जाकर छिप जाएंगे। बूढ़े चूहे का यह सुझाव सुनकर सभी चूहे खुशी से झूम उठे और अपनी खुशी प्रकट करने के लिए वे नाचने गाने लगे। चूहों का विचार था कि अब उन्हें बिल्ली से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और वे फिर से निडर होकर घूम सकेंगे। तभी एक अनुभवी चूहे ने कहा, चुप रहो, तुम सब मूर्ख हो। तुम इस तरह खुशियां मना रहे हो जैसे तुमने कोई युद्ध जीत लिया हो। क्या तुमने सोचा है कि बिल्ली के गले में जब तक घंटी नहीं बंधेगी तब तक हमें बिल्ली से मुक्ति नहीं मिल सकती। अनुभवी चूहे की बात सुनकर सारे चूहे मुंह लटकाकर बैठ गए। उनके पास अनुभवी चूहे के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी उन्हें बिल्ली के आने की आहट सुनाई दी और सारे चूहे डरकर अपने अपने बिलों में घुस गए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि योजनाएं बनाने से किसी भी समस्या का हल नहीं होता। समस्या का समाधान करने के लिए उन योजनाओं पर अमल करना आवश्यक है।